नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना काल में हजारों प्रवासी मजदूरों की मदद करने वाले बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद सुर्खियों में बने रहते हैं। जिस भी फरियादी को मदद की जरूरत होती है, उनके जहन में सोनू सूद का ही ख्याल आता है और सोनू सूद उनकी मदद करने की कोशिश भी करते हैं। सोनू सूद के ट्विटर हैंडल पर बिहार के आरा से मदद की गुहार लगाई गई थी। दरअसल एक बीमार छात्रा के इलाज के लिए उसकी बड़ी बहन ने सोनू सूद के ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर मदद की गुहार लगाई थी। ट्वीट को पढ़ते ही सोनू सूद ने तुरंत एक्शन लिया और ऋषिकेश स्थित एम्स अस्पताल में बिहार छात्रा का सफल ऑपरेशन करवाया, जिसके बाद से अब छात्रा बिल्कुल ठीक है। वहीं सूद की ओर से मिली मदद के बाद नेहा ने ट्वीट कर सोनू सूद को धन्यवाद दिया और कहा कि अभी तक चिराग से जीन निकलते सुना था, अब देख भी लिया। नेहा के इस ट्वीट पर सोनू सूद ने रिप्लाई देते हुए कहा कि चिराग से जीन नहीं, आम इंसान निकलता है। दरअसल ये पूरा वाक्या आरा के नवादा थाना क्षेत्र के उमा शंकर सहाय की 25 साल की बेटी दिव्या सहाय से जुड़ा हुआ है। दिव्या एमकॉम की छात्रा हैं। दिव्या असहाय कई दिनों से पेट दर्द के कारण बीमार चल रही थी, जिसको लेकर परिजन काफ़ी परेशान थे। परिजनों ने एम्स में दिखाने की कोशिश की, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो दिव्या को इलाज कराने के लिए दिल्ली नहीं ले जा पाए। इधर उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी। बहन की तबीयत ख़राब होता देख नेहा ने मदद के लिए बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया। ट्वीट के बाद सोनू सूद और उनकी टीम ने तुरंत किसी तरह ऋषिकेश एम्स अस्पताल में बीमार छात्रा का इलाज करवाया, जिसके बाद छात्रा को एक नई जिंदगी मिली। बता दें कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान लगे लॉकडाउन में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ज़रूरतमंदों के मसीहा बनकर सामने आए हैं। सोनू सूद और उनकी टीम अभी भी लगातार लोगों की मदद कर रही है। लॉकडाउन से अब तक सोनू सूद सैकड़ों लोगों की मदद कर चुके हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।